हेलो एवरीवन, तो आप सभी की एक पहली डेमो क्लास हो चुकी है कौमार भृत्य की। आज हमारी दूसरी डेमो क्लास है। पहली क्लास में मैंने एक मॉडर्न का टॉपिक कवर किया था और आज मैं आपको एक आयुर्वेद का टॉपिक पढ़ा रही हूँ। बाकी आपकी जो भी लाइव क्लासेस होंगी उसमें आपको जो भी आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पॉइंट टू पॉइंट सारे जो टॉपिक हैं वो क्लियर कराए जाएंगे। सारा आपको जो भी क्वेश्चंस हैं सब कुछ अवेलेबल कराया जाएगा, नोट्स दिए जाएंगे, जो भी आपकी क्लासेस होंगी उनकी आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलेगा, जिसे आप अगर क्लास नहीं भी ले पाते हो उस टाइम पर तो आप बाद में उसको कभी भी सुन सकते हो। तो आज ये आपकी आखिरी डेमो क्लास है। आपकी जो लाइव क्लास शुरू होगी वो हम आपको डेट बता देंगे हम कब से शुरू कर रहे हैं। उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तो आप MKS4 से कांटेक्ट कीजिए और अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए जिन भी स्टूडेंट्स को लाइव क्लास ज्वाइन करनी है उन्हें। तो मैं मेरा टॉपिक शुरू करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है स्तन्य दोष। ठीक है, आप पढ़ के आए होंगे, ये टॉपिक आपका बहुत जाना पहचाना टॉपिक है। जब भी आप फर्स्ट ईयर में आते हो आयुर्वेद में तब से ही थोड़ा बहुत आप जानने लग जाते हो कि स्तन्य क्या है। तो सभी को पता होगा कि आयुर्वेद में हम स्तन्य किसको कहते हैं, ब्रेस्ट मिल्क को। ठीक है, अभी जब आपने फिजियोलॉजी पढ़ी होगी तो उसके अंदर आपने एक चीज़ देखी होगी, केदारी कुल्या न्याय, क्षीर दधि न्याय, ये सब जो नाम मैं ले रही हूँ आपके सारे जाने पहचाने नाम होंगे। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि इन न्यायों के आधार पर हम देखते हैं कि कोई भी धातु है या शरीर के अंदर कोई भी उपधातु है उसकी उत्पत्ति किस तरीके से हो रही है, वो हमें इन न्याय से समझ में आता है। ये न्याय क्या बताते हैं कि जो भी हमने आहार किया है, जो भी आपने फूड इंटेक किया है, उसके बाद बॉडी में, स्टमक में उस पर क्या क्रिया होगी, किस प्रकार से उसमें धातु बनेंगी और किस प्रकार से उपधातु बनेंगी, ये सारा का सारा आप पढ़ के आ चुके हो। बिल्कुल भी आपके लिए नई बात नहीं है ये, तो हम इधर की तरफ ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो यहाँ से मैं आपको सिर्फ एक चीज़ समझाना चाहती हूँ कि स्तन्य क्या है। स्तन्य है उपधातु। स्तन्य को क्या माना गया है, धातु ना बोल के क्या बोला गया है, इसको उपधातु बोला गया है। तो आपको उत्पत्ति और ये सारा सब पता होगा। आपके कौमार्य भृत्य में क्या टॉपिक है इससे रिलेटेड, इसके दोष, स्तन्य के दोष। क्योंकि कौमार्य भृत्य में हम पढ़ते हैं कुमार के बारे में, फीटस के बारे में, चाइल्ड के बारे में, बाल अवस्था के बारे में, वो सारी डिटेल्स हम पढ़ते हैं कौमार्य भृत्य के बारे में। तो हमें सब कुछ पता होना चाहिए कि उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, जैसे ही बर्थ हुआ चाइल्ड का उसके बाद उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, ब्रेस्ट मिल्क से मिलता है। ठीक है, नो डाउट ये कहाँ से मिलेगा, ब्रेस्ट मिल्क से मिलेगा। लेकिन अगर वही ब्रेस्ट मिल्क उसके लिए क्या है, दूषित है, जिस तरीके का उसका कंपोजिशन होना चाहिए, नॉर्मल जो उसके कंपोनेंट होने चाहिए वो ना होकर के अगर वो दूषित है, तो इससे क्या होगा, जो भी शिशु है, जो भी बालक है, उसकी हेल्थ पे क्या होगा, उसका असर पड़ेगा। इस वजह से हम क्या पढ़ रहे हैं, स्तन्य दुष्टि पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं, शुरू करते हैं, क्या है इसके अंदर। माता या धात्री जिस प्रकार का आहार विहार करती है उससे दोष प्रकोपित होकर विभिन्न व्याधियों को उत्पन्न करते हैं। तो अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले ही क्षीर दधि न्याय, केदारी कुल्या न्याय इनकी बात की थी। तो आप इनके अलावा एक चीज और पढ़ के आए हो कि जब भी हम आहार करते हैं तो आहार का क्या चल रहा है, पाचन चल रहा है, और पाचन के बाद आहार का क्या है, विपाक की उत्पत्ति होती है। तीन तरीके का विपाक होगा, मधुर विपाक, अम्ल विपाक और कटु विपाक। अब जो धात्री, धात्री कौन होती है, माता को भी धात्री की संज्ञा दे सकते हैं, या धात्री वो होती है जो बालक को, जो शिशु है, जो चाइल्ड है, उसको फीड कराती है, उसको हम धात्री बोलते हैं। ये भी अपना एक अलग टॉपिक है आपके सिलेबस में धात्री का, उसकी भी बात करेंगे आगे चल के। तो माता या धात्री, अब बालक को जो भी शिशु है उसको पोषण कहाँ से मिल रहा है, उसको तो ब्रेस्ट मिल्क से पोषण मिल रहा है। अब जिस तरीके का उसकी माता या धात्री, जिस तरीके का भी वो आहार कर रही है, जिस तरीके का भी वो विहार कर रही है, यानी कि जो भी वो डाइट ले रही है, उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, स्तन्य की उत्पत्ति होगी। अब जैसे उसने मधुर रस ज्यादा लिया तो विपाक कैसा बनेगा, मधुर बनेगा, तो उसी के आधार पर स्तन्य बनेगा। या वो कटु, तीक्ष्ण आदि, ये सारा जो विदाही भोजन है उसका सेवन अधिक कर रही है, तो क्या होगा, उसका जो स्तन्य होगा वो पित्त से दूषित होगा। तो उस आधार पर ही उस शिशु के अंदर क्या होगी, रोग की उत्पत्ति होगी। तो
तो वही हम आगे इसके अंदर बात करने वाले हैं। तो माता या धात्री ने जो भी खाना खाया, जो भी आहार विहार किया, उसी से क्या होगा, उसके स्तन्य की उत्पत्ति होगी। और उसी स्तन्य का सेवन अगर बालक करेगा तो वो कैसा हो जाएगा, रोगग्रस्त हो जाएगा। तो जो भी वो खाना खा रही है, जो भी कर रही है, उससे क्या होगा, स्तन्य बना, उससे क्या हुआ, व्याधि उत्पन्न होगी। और उसी के अनुसार हम आगे क्या पढ़ रहे हैं, स्तन्य दुष्टि पढ़ेंगे। अभी मैं आपको इसके सारे टाइप और वो सब समझाऊंगी। फिर देखते हैं आगे हम कि दोषानुसार 7 प्रकार के स्तन्य दोष होते हैं। बस केवल ये आपको याद रखना है। यहाँ पे हम इनकी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ज़्यादा डिटेल नहीं है इनकी। केवल आपको इतना याद रखना है कि दोष के अकॉर्डिंग अगर आपसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए कि दोषानुसार स्तन्य के दोष बताइए, तब आपको बताना है कितने होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं। और ये कुछ भी अलग नहीं है, सब जाना पहचाना है आपका। आप जानते हो, जैसे आपने प्रकृति पढ़ी है 7 प्रकार की, उसी हिसाब से ये स्तन्य दोष हो गए। जैसे वातज हुआ, पित्तज हुआ, कफज हो गया, वात पित्तज हो गया, पित्त कफज हो गया, वात कफज हो गया, और क्या हो गया, त्रिदोषज। तो केवल आपको जस्ट याद ही रखना है। बहुत ज्यादा जैसे आपको कई बुक्स में इनकी डिटेल पढ़ने को मिलेगी कि वात दोष के अनुसार ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो आपको नहीं पढ़ना है। अभी अपने काम की चीज इतनी नहीं है, जो काम का है वो हम आगे बात करेंगे। फिर उसके बाद आचार्य चरक ने स्तन्य के लक्षण के आधार पर अष्टौ शीर दोषा का वर्णन किया है। ये इंपॉर्टेंट है और आपका क्वेश्चन जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा वो यहीं से आता है, और यहाँ से बड़ा क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आचार्य चरक ने ऐसे ही पूछा जाएगा, आचार्य चरक के अनुसार स्तन्य दोष को समझाइए, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पुटअप हो सकता है, अष्टौ शीर दोष का वर्णन कीजिए। इस तरीके का आपसे यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जो चरक का है वही हम आगे पढ़ रहे हैं और यही आपको पढ़ना है, ठीक है। आगे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न, मॉडर्न क्या कहता है, मॉडर्न ये बोलता है कि जो भी ब्रेस्ट मिल्क है वो किससे संक्रमित हो सकता है, कंटामिनेटेड हो सकता है, बैक्टीरिया से या वायरस से, स्टेफाइलोकोकस का, निमोनिया का, किसी का भी जो है ब्रेस्ट मिल्क में क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो जाएगा अगर मदर को, तो क्या होगा, जब भी वो अपने बच्चे को फीड कराएगी तो उसको भी क्या होंगे, रोग होंगे। तो मॉडर्न क्या कहता है कि बैक्टीरिया और वायरस के कारण जब माता का स्तन्य दूषित हो जाता है, जिससे उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाएगा। ब्रेस्ट मिल्क का पूरा केमिकल कंपोजिशन है, मैं आपको आगे की लाइव क्लासेस में बताऊंगी। तो वो सारा का सारा कंपोजिशन चेंज हो जाएगा कि उसमें जो प्रोटीन है वो कितने अमाउंट में होना चाहिए, कार्ब कितना होना चाहिए, फैट कितना होना चाहिए, वाटर, वाइटामिन्स, सारा का सारा जो कंटेंट है उसका, वो अगर बैक्टीरिया और वायरस का इन्फेक्शन हुआ तो वो कंटेंट क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, उसका केमिकल कंपोजिशन जो है वो सारा का सारा चेंज हो जाएगा। और अगर चेंज हो जाएगा तो बच्चे को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा और क्या हो जाएगा, वो रोगी हो जाएगा। यदि शिशु उस दूध को पीता है तो क्या होगा, अनेक व्याधियों से ग्रस्त हो जाएगा। अब कैसे होगा, इसकी मॉडर्न वाला आपको डिटेल में नहीं जाना है, ये आप वहां से भी देख सकते हो, आपके गायनी में भी आएगा, वो मैं आपको आगे की क्लासेस में बताऊंगी, ठीक है। फिर देखते हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है वो है चरक के अनुसार अष्टौ शीर दोषा। यही आपसे बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका कौमार वृत्त का एक, ठीक है। फिर देखते हैं, आपको कोटेशन याद नहीं हो तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये जो मैं 8 शीर दोष बताने वाली हूँ ये आपको अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। कि वात दोष की वजह से कौन कौन से शीर दोष उत्पन्न होंगे, पित्त की वजह से शीर जो होगा उसके अंदर किस तरीके से दूषता आएगी, और ऐसे ही कफ के कारण। तो ये आपको अलग अलग याद रखना है, ठीक है। अब देखते हैं क्या है, कौन कौन से दोष हैं। तो वैरस्य फेन संघातो रोक्ष्यम चैत्य अनिलात्मके, अनिलात्मके यानी कि वायु के कारण किस प्रकार से दूषित होगा, कि दुग्ध जो है, स्तन्य जो है, उसके अंदर विरसता आ जाएगी। डिटेल में बात करूंगी मैं अभी विरसता की, अभी केवल हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद उसके सेकंड नंबर पे क्या है, फेन संगात, यानी कि उसके अंदर झाग की उत्पत्ति हो जाएगी, फेन की उत्पत्ति हो जाएगी, और दुग्ध के अंदर रुक्षता आ जाएगी। अगर जो स्तन्य है, धात्री का जो स्तन्य है, अगर वो वायु के कारण दूषित हुआ है, वात दोष के कारण उसमें विगुणता आई है, तो उसका जो स्तन्य है उसके अंदर हमें ये 3 प्रॉपर्टी मिलेंगी। कि एक तो उसका स्तन्य है वो कैसा मिलेगा हमको, विरस मिलेगा, और दूसरा उसके अंदर फेन संगात, जिसका भी माइक ऑन है वो ऑफ कर लीजिए प्लीज,
ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं पित्त के कारण। पित्त के कारण क्या होगा? पित्त के कारण दो तरीके से स्तन्य की क्या होती है? विकृति होती है। क्या होगा? पित्त की अगर अधिकता है धात्री के स्तन्य में तो क्या होगा? विवर्णता आएगी बच्चे के अंदर, ठीक है, और उसके दुग्ध में से क्या आएगी? दुर्गंध आएगी, दुर्गंधता आएगी उसके दुग्ध में से। आदित्य, चलिए ठीक है आगे बात करते हैं। इसी तरीके से अगर कफ के कारण अगर स्तन्य दूषित हुआ है तो क्या होगा? जो दुग्ध होगा वो कैसा देखने को मिलेगा? उसके अंदर स्मेल की अधिकता मिलेगी कफ के कारण। पैच्छिल्य गुण बढ़ा हुआ होगा और दुग्ध कैसा होगा? उसका गुरु होगा, यानी कि स्तन्य कैसा होगा? गुरु होगा। तो इस तरीके से हमें वहां देखने को मिलेगा। अब हम वन बाई वन एक एक की बात करने वाले हैं कि वैरस्य जो स्तन्य होगा उस हरेंद्र यादव, आप अपना माइक ऑफ कीजिए प्लीज। वैरस्य स्तन्य जो होगा वो कैसा होगा? अब हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि वैरस्य का मतलब आपको कुछ अलग नहीं समझना है। वैरस्य क्या है? वीरसता। वीरसता यानी कि जो स्तन्य का नॉर्मल जो रस होना चाहिए था, जैसे कि रस आप जानते हो छह होते हैं, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, छह रस हैं। उनमें से स्तन्य में कौन से रस की अधिकता होती है या कौन सा रस होता है स्तन्य के अंदर? मधुर रस होता है, ठीक है। सामान्य दुग्ध के भी आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी, आपने चरक पढ़ रखी है, तो उसके अंदर भी कौन सा गुण होता है, कौन सा रस होता है? मधुर रस होता है। तो स्तन्य के अंदर भी नो डाउट कौन सा रस होगा? सामान्य प्राकृत रस की बात कर रही हूँ मैं। कौन सा रस होगा प्राकृत अवस्था में? मधुर रस होगा। लेकिन अगर जो धात्री का स्तन्य है उसके अंदर वात दोष की अधिकता है तो क्या होगा? उसका जो स्तन्य होगा वो कैसा हो जाएगा? वैरस्य या वीरस। वीरस से आप समझ सकते हो, वैरस्य से आपको थोड़ा सा लगेगा ये टर्म कैसी है, लेकिन आप यहाँ पे वीरस लिख सकते हो। वीरस यानी कि रस उसका क्या हो गया है? विगुणित हो गया है, दूषित हो गया है। और रस दूषित हो गया है तो क्या होगा वो हम आगे देखते हैं। तो अगर धात्री जो है रुक्ष आदि वात प्रकोपक आहार विहार का सेवन करती है, ठीक है, यानी कि पहली लाइन हमने शुरू ही यहां से की थी। आप ध्यान से सुन रहे हो तो हमने पहली लाइन शुरू ही यहां से की थी कि वो जिस तरीके का आहार विहार करेगी उसी तरीके का स्तन्य की उत्पत्ति होगी, क्योंकि उसी तरीके से आगे विपाक बनेगा, ठीक है। फिर आगे क्या हुआ? धात्री ने कैसा भोजन किया? वात प्रकोपक आहार विहार किया उसने, जिसमें भी रुक्ष आदि गुण ज्यादा बढ़े हुए हैं। वात के कई गुण होते हैं, तत्र रुक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म चलो अनल, कई गुण होते हैं वात के अंदर। तो उसने वात प्रकोपक आहार विहार का सेवन किया तो क्या होगा? वायु कुपित होगी, ये इसकी पैथोजेनेसिस है एक तरीके से। तो क्या हुआ? वायु उसके अंदर प्रकुपित होगी। अब आप सभी जानते हो कि वायु के अंदर एक गुण होता है, कौन सा गुण? चल गुण, जिसकी वजह से वो कहीं भी मूव कर सकती है, वायु कहीं भी जा सकती है। तो वायु जो कुपित हुई है धात्री के अंदर या माता के अंदर वो कहाँ चली गई? वो चली गई क्षीरवाही शिराओं के अंदर। कहाँ आ गई वो? क्षीरवाही शिराओं के अंदर, जहां से स्तन्य की उत्पत्ति हो रही है या उसका सिक्रीशन हो रहा है, उस जगह वो वायु आ गई। तो वहां पे आ गई तो क्या करेगी? वो जाकर स्तन्य के रस को क्या कर देगी? दूषित कर देगी। अब मैंने आपको बताया कि स्तन्य का जो रस होता है या दुग्ध का जो रस होता है वो कौन सा होता है? मधुर रस होता है। तो जिससे दुग्ध का जो मधुर रस होगा वो क्या हो जाएगा? वीरस हो जाएगा, यानी कि अब दुग्ध जो है वो अपनी प्राकृत अवस्था में नहीं है, वो क्या हो चुका है? वीरस हो चुका है। अब अगर वीरस जो दुग्ध है विरस हो चुका है, मधुर नहीं है उसके अंदर। मधुर क्या करता है? मधुर रस का आपने अगर प्रॉपर्टी पढ़ी हो तो मधुर रस कैसा होता है? बल्य होता है, शरीर को पोषण देने वाला होता है, बल्य होता है, जिसे बल्य या ब्रंगण दोनों बोल सकती हूँ मैं। ये गुण होता है मधुर रस के अंदर। अब जब दुग्ध उसका मधुर नहीं है तो शिशु क्या हो जाएगा? क्रश हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, क्योंकि जो बच्चा है उसका तो सारा का सारा न्यूट्रिशन अभी उसे कहाँ से मिल रहा है? ब्रेस्ट मिल्क से मिल रहा है। अभी वो हमारी तरह फ्रूट्स और ये सब तो खाना शुरू किया ही नहीं है। फर्स्ट मंथ हो गया या 6 मंथ तक, जब तक उसका फल प्राशन या अन्न प्राशन संस्कार नहीं हो जाता, तब तक
जो चाइल्ड है वो पूरा का पूरा किस पे डिपेंडेंट होता है, अपनी मदर के ब्रेस्ट मिल्क पे। अगर वही उसको दूषित मिलेगा, सारा का सारा न्यूट्रिशन पोषण उसको वहीं से मिलना है और वही उसको वीरस मिलेगा, तो बच्चा कैसा हो जाएगा, क्रश और कमजोर हो जाएगा। तो आपको इसी तरीके से एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो इसी तरीके से लिखना है कि अगर वीरस जो स्तन है उससे बच्चे को क्या हानि होगी, क्या नुकसान होगा। फिर हम सेकंड आगे बात करते हैं, सेकंड है हमारा फेन संगात। अब फेन संगात क्या होगा, फेन संगात में क्या हुआ, वही लाइन तो आगे वाली लाइन तो सेम ही रहने वाली है कि वही धात्री ने क्या किया, रुक्षादि वात प्रकोपक द्रव्यों का उसने सेवन किया, सेवन किया तो वायु प्रकुपित हुई। और वायु, अभी मैंने बताया, वायु के अंदर एक गुण होता है चल गुण, जिसके कारण उसको कहीं भी जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। खुद तो जाएगी जाएगी, रास्ते में जो भी आता है उनको भी साथ ले जाती है, ठीक है। तो वायु ने क्या किया, वायु जो भी उसका स्थान था जहां पे भी वो कुपित हुई, वहां से वो चल के कहाँ पहुंच गई, दुग्ध वाहिनी श्राव या क्षीर वाहिनी श्राव, जो भी आप कहना चाहो, वहां पर वो चली गई। और वहां पर स्थित जो दुग्ध है उसको क्या किया, उसने विलोडित किया, मंथन किया। अब आप इसको इस तरीके से सोचिए कि आपके पास कोई भी एक कंटेनर है, कोई भी एक है ना, उसके अंदर आपके पास या तो छाछ, उसके अंदर छाछ है या पानी है, जो भी है। अब आप उसमें बार 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 उसको मथ रहे हो तो क्या होगा, छाछ की, सॉरी, वहां पे झाग की उत्पत्ति होगी कि नहीं होगी। सेम काम वहां पे वायु करती है उसके साथ, कि वायु क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दुग्ध भरा हुआ है, ठीक है। अब वायु में चल गुण है, वो बार 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 मूवमेंट कर रही है, तो यहाँ पे जो भी दुग्ध होगा उसके अंदर क्या हो जाएगी, फेन की उत्पत्ति हो जाएगी, झाग बन जाएंगे। अब जो भी वो लैक्टिफेरस जो ट्यूब्यूल्स हैं वो तो बहुत छोटी छोटी डक्ट्स हैं, अगर वहां पे झाग की उत्पत्ति हो गई तो क्या होगा, जो धात्री का जो स्तन्य है वो स्तन से कठिनाई से निकलेगा, यानी कि बहुत कठिनाई से निकलेगा, पूरा पूरी तरीके से बाहर निकल ही नहीं पाएगा। और जब बाहर ही नहीं निकलेगा तो बच्चे को फीड नहीं करा पाएगी। और या फिर बच्चे ने उस स्तन्य का पान भी किया, तो आप एक चीज नहीं भूलें, हमेशा याद रखनी है कि इनके अंदर जब भी वो स्तन्य का पान कर रहा है तो वात दोष तो साथ ही आएगा स्तन्य के। जैसे अभी अपन ने विरस्ता पढ़ा, तो उसमें भी जो भी स्तन्य उसने पान किया, उस स्तन्य के अंदर भी वायु तो भरी हुई है, तो वो शिशु की बॉडी में भी जाके क्या काम करेगी, वही तो हम हानि के अंदर पड़ रहे हैं। तो देखिए, अब उसने उस स्तन्य का पान किया शिशु ने, तो वायु बड़ी हुई है, उसकी वजह से जो बालक है उसका स्वर कैसा हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा। क्योंकि स्वर की उत्पत्ति में कारण, आपने जब भी पढ़ा होगा फिजियोलॉजी के अंदर, वाक उत्पत्ति में उदान वायु कारण होती है, तो वहां पे क्या होगा, अब वायु उदान आकर के शरीर में क्या करेगी, उदान वायु को दूषित करेगी बच्चे की को, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, स्वर क्षीण हो जाएगा। और क्या होगा, वायु के बहुत सारे काम होते हैं, मल मूत्र को शरीर से बाहर निकालने का भी काम कौन ही कौन करती है, वायु ही करती है। तो वायु अगर कुपित है तो वहां पे बच्चे के अंदर क्या करेगी, वो उसके पुरुष मूत्र और अपान वायु का क्या कर देगी, अवरोध कर देगी, यानी कि उसके जो वेग हैं पुरुष का मूत्र का, ये समय पर न लग के उनका क्या हो जाएगा, अवरोध हो जाएगा, क्योंकि वायु बढ़ी हुई है। अब वो वायु बढ़ी हुई है, वो वायु शिर में जाएगी तो शिर के रोग करेगी, और क्या करेगी, पीनस करेगी, यानी कि पीनस और प्रत्यय आदि रोग की उत्पत्ति करेगी। तो आप देख रहे हो कि अगर स्तन्य किसी भी दोष से दूषित होगा तो उसमें किस किस तरीके से बच्चे के अंदर रोग हो सकते हैं। फिर एक और हमारा वायु का बच्चा है, वो है रुक्ष स्तन्य, यानी कि रुक्ष गुण वाला, रुक्ष हो जाएगा स्तन्य। आपने एक चीज और पढ़ी होगी, जो सामान्य जो दुग्ध होता है वो कैसा होता है, मधुर होगा, स्निग्ध होगा, शीत वीर्य वाला होता है, ये सारे आप प्रॉपर्टी जानते हो दुग्ध की। तो जो दुग्ध की होती है वही स्तन्य की होंगी, स्त्री के शीर की। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर वो स्त्री वही सेम लाइन की वात प्रकोपित आहार विहार का सेवन कर रही है, तो अब देखो यहाँ पे अलग अलग चीज आपको डाउट आ सकता है कि कभी तो दुग्ध जो है वो वीरस हो रहा है वायु की वजह से, कभी संघात उसमें फेन उत्पन्न हो रहे हैं, कभी वो रुक्ष हो रहा है। तो ये क्यों, क्योंकि वायु के गुण तो कई सारे हैं, रुक्ष गुण भी है, लघु गुण भी है, चल गुण भी है। वायु कौन से गुण में ज्यादा कुपित हुई है उस पर डिपेंड करता है कि स्तन्य जो होगा वो फेन संगात वाला होगा या रुक्ष होगा। जैसे कि अगर चल गुण मान लीजिए उसमें ज्यादा बड़ा, तो क्या हो जाएगा, दुग्ध के अंदर फेन की उत्पत्ति हो जाएगी। वायु का रुक्ष गुण उस धात्री के अंदर ज्यादा बड़ा हुआ है तो स्तन्य कैसा हो जाएगा, रुक्ष हो जाएगा। तो
तो जिस जो भी उस दोष का जो गुण अधिक बढ़ा हुआ होगा उसी के अनुसार उसका क्या हो जाएगा, स्तन्य हो जाएगा। तो आगे क्या है, रुक्ष आदि आहार विहार के सेवन से क्या हुआ, वायु कुपित हुई और कहाँ चली गई, वही सेम लाइन दुग्धवाही शिराओं में जाकर के। अब क्या किया, अभी मैंने आपको बताया कि जो दुग्ध है उसके अंदर क्या होता है, स्निग्ध गुण होता है, ठीक है। तो क्या हुआ, जो दुग्ध है उसके स्नेह को क्या कर देगी वायु, अपने रुक्ष गुण से सुखा देगी। इतना रुक्षता बढ़ी हुई है वायु के कारण कि जो दुग्ध का जो स्नेह है उसको भी वायु क्या कर देगी, सुखा देगी। और अगर यानी कि अब दुग्ध के अंदर स्निग्ध गुण नहीं बचा, ठीक है, यानी कि दुग्ध कैसा हो गया, रुक्ष हो गया। तो स्निग्ध गुण भी क्या प्रोवाइड करेगा हमें, जैसे हम घृत का सेवन कर रहे हैं या तेल का सेवन कर रहे हैं, ये जो स्नेह ही तो है एक तरीके से क्या, ये स्नेह ही है घृत और तेल। तो इनके अंदर स्निग्धता है, इनकी स्निग्धता के कारण हमें क्या मिल रहा है, बल मिल रहा है। तो अगर वायु की वजह से जो दुग्ध का स्नेह है वो सूख गया, यानी कि दुग्ध कैसा हो गया, रुक्ष हो चुका है, तो दुग्ध ही रुक्ष हो गया, उसका जो पूरा स्नेह गुण है वो नष्ट हो चुका, तो शिशु के अंदर क्या हो जाएगी, बल्कि हानि हो जाएगी, ठीक है। ये एकदम इजीली समझ में आने वाला है। फिर भी आपको आज की क्लास से या पिछली जो डेमो है उससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद वैवर्ण्य स्तन्य देखते हैं। ये हमने 3 पॉइंट पढ़े, ये किसके थे, वायु के कारण थे। पित्त के कारण मैंने आपको दो बताए थे, एक तो वैवर्ण्य स्तन्य बताया था, एक दौर्गंध्य बताया था। तो हम अब किस दोष की अधिकता के कारण दूषित स्तन्य पढ़ रहे हैं, पित्त वाला, ठीक है। अब पित्त का देखिए क्या होगा, उष्ण आदि पित्त वर्धक आहार विहार द्रव्यों के सेवन से। क्योंकि आपको एक चीज पता होगी, अभी आप थर्ड ईयर में आ चुके हो, ये पुरानी बातें हो गई हैं बहुत, कि जो जैसे आप पढ़ते आ रहे हो कि श्यावर्ण हो जाएगा, अरुण वर्ण हो जाएगा, नील हो जाएगा, हरित हो जाएगा, पांडु हो जाएगा, श्वेत हो जाएगा, तो आपको इतना डिफ्रेंशिएट करना आ गया होगा कि श्याव या अरुण हो रहा है तो वहां पे कौन सा दोष बढ़ा हुआ होगा, वात दोष बढ़ा हुआ होगा। अगर नील पीत हरित जो भी मल्टी कलर होते हैं, नील पीत हरित लाल बोल दे काला बोल दे जो भी होते हैं, तो जो मल्टी कलर होते हैं वो किसके साथ जाते हैं, पित्त के साथ जाते हैं। और जो भी जैसे श्वेत हो गया या पांडु हो गया तो वो किसके साथ जाएंगे, कफ के साथ जाएंगे। तो अगर धात्री का जो स्तन्य है वो कैसा आ रहा है, श्वेत वर्ण का ना आ करके, जो सामान्य जो वर्ण होगा मैं आपको पढ़ाऊंगी पांडु वर्ण का होता है, कोई कई आचार्य पांडु बोलेंगे, कई उसको श्वेत बोलेंगे, वो मैं आपको अलग अलग बताऊंगी, ठीक है। तो अगर वैसा ना आके कैसा कैसा आ रहा है, नीला पीला काला मल्टी कलर वाला आ रहा है, तो यहाँ देखते ही आपको समझ जाना है कि उसके अंदर धात्री के अंदर कौन सा दोष बढ़ा हुआ है, पित्त दोष बढ़ा हुआ है। तो हम स्तन्य के कलर को देखकर भी ये देख के बता सकते हैं कि उस धात्री के अंदर कौन सा दोष बढ़ा हुआ है। तो उष्ण आदि पित्त वर्धक आहार विहार द्रव्यों का उसने सेवन किया तो क्या बढ़ेगा, जैसा खाना खाएगी वैसा दोष बनेगा, ठीक है। तो उसने ऐसा खाना खाया तो पित्त दोष बन गया, उष्ण विदाही भोजन कर रही है, उष्ण तीक्ष्ण ऐसा खाना खा रही है तो कौन सा दोष बढ़ेगा उसके अंदर, पित्त दोष बढ़ेगा। अब ये पित्त क्या करा, पित्त चला गया कहाँ पे, दुग्ध वाहिनी शिराओं के अंदर। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये दूध को पित्त अपनी प्रॉपर्टी के कारण दूध को क्या कर देगा, नीला पीला काला जो भी आपको जितने भी हरा जो भी लिख सकते हो आप, मल्टी कलर सारे इसी के अंदर आएंगे, ठीक है, ऐसा कर देगा। अब अगर इस विवर्ण्य वैवर्ण्य जो स्तन्य है इसका पान शिशु करेगा तो शिशु के शरीर का वर्ण कैसा हो जाएगा, विवर्ण हो जाएगा। यानी कि उसमें कभी आपको साइनोसिस दिखेगी, कभी आपको लगेगा कि बेबी के कलर बॉडी का कलर येलो हो गया है, कभी आपको ग्रीन, ऐसा विवर्णता आ जाएगी। यानी कि जो उसका प्राकृत वर्ण जो भी बनना था, गौर श्याव जो भी बनना था, वैसा ना हो करके क्या हो जाएगा, उसके अंदर विवर्णता आ जाएगी, ठीक है। और क्या होगा, शिशु को तृष्णा अधिक लगेगी। अब तृष्णा क्यों लगेगी, पित्त दोष बढ़ा हुआ है। आपने पैथोलॉजी के अंदर पढ़ा हुआ होगा या आप चरक चिकित्सा के अंदर भी पढ़ रहे होंगे, तृष्णा के अंदर दो दोष की अधिकता होती है, वात और पित्त। तो पित्त बढ़ा हुआ है तो क्या होगा, उसको तृष्णा ज्यादा लगेगी शिशु को, और क्या होगा, मल पतला निकलता है। तो अगर मैं ये बोलूं कि वात पित्त कफ आपके पास 3 दोष हैं, तो 3 दोष में से ऐसा कौन सा दोष है जिसकी अधिकता होगी आपके शरीर में तो रेचन गुण को बढ़ाएगा, तो वो हमेशा जाता है पित्त के कारण। क्योंकि पित्त के अंदर आपने पढ़ा होगा पित्त में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, उष्ण सर्व गुण होता है, द्रव गुण होता है,
सरगुण आपने पढ़ा होगा, अतिसार आपने पढ़ा होगा, वहां देखा होगा कि जो अतिसार होता है वो पित्त के द्रव, उष्ण और सरगुण के कारण होता है। तो ये गुण अगर उस बच्चे उस दुग्ध के अंदर पित्त भरा हुआ है तो पित्त के अंदर तो ये गुण भी होंगे, इसलिए क्या होगा, बच्चे को अतिसार हो सकता है या उसका मल जो है उसकी कैसा निकलेगा, वो पतला निकलेगा, यानी कि एक तरीके से यही बोल सकते हैं उसको अतिसार हो जाएगा। कब होगा ऐसा, वैवर्ण्य स्तन का पान करेगा तब। फिर उसके बाद आता है सेकंड दौर्गंध्य। दौर्गंध्य में क्या होगा, दुर्गंधता भी किसके साथ आती है, पित्त के पूरे जो पूती जो गंध होती है वो कौन उत्पन्न कर सकता है, पित्त दोष उत्पन्न कर सकता है। तो वही उष्ण आदि आहार विहार का सेवन किया, पित्त बढ़ा, पित्त ने बढ़ करके दुग्ध के अंदर क्या कर दी, दुर्गंध उत्पन्न कर दी। ठीक है, अब दुर्गंधित स्तन है, पहली बात तो वो दुर्गंधित स्तन का पान ही नहीं करेगा शिशु, अगर पान कर भी लेता है तो उसको कौन से रोग हो जाएंगे, पांडु और कामला। अब पांडु और कामला आपने पढ़े होंगे बहुत अच्छे से, दोनों ही त्रिदोषज हैं, लेकिन कौन से त्रिदोषज हैं, पित्त प्रधान त्रिदोषज व्याधियां हैं पांडु और कामला। तो उस शिशु को जो पित्त से दूषित या फिर जो दौर्गंधित जो स्तन्य है उसका पान कर रहा है तो उसके अंदर पांडु और कामला की क्या हो जाएगी, उत्पत्ति हो जाएगी, ये रोगों से वो ग्रसित हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं हम, तो ये हमारे दो हो गए किसके, पित्त के। तो वायु जो वात से दूषित कितने गुण थे, किस तरीके कितने प्रकार का स्तन्य था, तीन प्रकार का, पित्त के दो थे और कफ के कितने हैं, तीन, इस तरीके से टोटल कितने हो गए, आठ। तो इस तरीके से चरक की जो कितनी होती है, अष्टौ शीर दुष्टि कंप्लीट होती है। अब हम कफ की बात करते हैं, कफ में क्या है, अति स्नेह जन्य स्तन्य। अब स्नेह गुण हो जाए या पिच्छिल गुण है, गुरु गुण है, ये बात के साथ तो हो नहीं सकते, वायु में तो स्नेह गुण होता नहीं है, वायु में नहीं होता, पित्त में नहीं होता, पिच्छल गुण गुरु गुण ये दोनों में ही नहीं होता, तो किसके साथ जाएंगे, ये कफ के साथ जाएंगे। ठीक है, तो ये कफ से दूषित स्तन्य है। तो क्या हुआ, जो गुर्वादी, अब कफ को बढ़ाने वाला आहार विहार अगर धात्री कर रही है या माता कर रही है तो उसके अंदर क्या होगा, गुर्वादी आहार विहार द्रव्यों का सेवन करने से क्या होगा, धात्री के अंदर या माता के अंदर कफ दोष की अधिकता होगी, कफ दोष कुपित होगा और वही बढ़ा हुआ कफ कहाँ जाएगा, दुग्धवाहिनी शिराओं में चला जाएगा और वहां पे जाकर के, वहां जो दुग्ध स्थित है, दुग्धवाहिनी शिराओं में जो दुग्ध स्थित है उसके स्निग्ध गुण युक्त होने के कारण दुग्ध को कैसा कर देगा, अति स्निग्ध कर देगा। अभी मैंने आपको बताया था कि दुग्ध के अंदर सामान्यतः स्निग्ध गुण उपस्थित होता है, लेकिन अगर ज्यादा स्निग्ध हो गया तो भी तो नुकसानदायक है। तो ये कफ से दूषित जो स्तन्य है उसकी वजह से जो दुग्ध के अंदर जो सामान्य स्निग्धता थी वो ना रह करके स्निग्धता क्या हो गई, बढ़ गई। तो ये स्निग्धता बढ़ी है तो भी क्या करेगा, कोई ना कोई नुकसान तो करेगा। तो देखते हैं ये क्या नुकसान कर रहा है, शिशु को क्या होगा, सर्दी। अब सर्दी रोग आपने पढ़ा होगा, उसके अंदर क्या होता है, कफ की अधिकता रहती है, सर्दी बोलूं उत्क्लेश बोलूं एक ही बात है। ठीक है, तो वहां पे क्या रहेगा, कफ बड़ा हुआ रहेगा। आपने जनरली देखा होगा कि कभी कभी बहुत ज्यादा एक साथ ऑयली ऑयली चीजें खा लेते हैं तो नौजिया सा होने लग जाता है, उत्क्लेश होने, ऐसे बोलते हैं जी मिचला रहा है, तो वही चीज बच्चे को होगी। क्या होगा, कफ से दूषित उसने स्तन्य का पान किया है, वैसे भी सर्दी में, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कामला पांडु में पित्त बढ़ा हुआ है, उसी तरीके से सर्दी में कौन सा दोष बढ़ा हुआ रहता है, कफ दोष बढ़ा हुआ होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बच्चा जैसे ही स्तन्य का पान करेगा क्या कर देगा, वॉमिट कर देगा, प्रवाहन करेगा। अब उसको मल और इनमें क्या होगा, विसूचिका आदि रोग हो जाएंगे, तो उनमें क्या करना पड़ेगा, उस बच्चे को प्रवाहन करना पड़ेगा। तो वहां पे क्या होगा, प्रवाहन करेगा, वो कुंठन करेगा और जितने भी कफज विकार होते हैं, जैसे कि सलाइवेशन किसकी वजह से होता है, कफ की अधिकता के कारण होता है। आपने प्रशेक एक वर्ड सुना होगा, तो प्रशेक है या लाला स्राव है किसकी वजह से होता है, कफ की वजह से होगा। और क्या होगा, कफ बड़ा हुआ है तो सारे दिन क्या हो, सोता रहेगा बच्चा, क्लम, श्वास, कास और प्रसेक, वही सेम बात आ गई, ये सारे के सारे उस बच्चे के अंदर क्या हो जाएंगे, रोग हो जाएंगे अगर वो अति स्निग्ध जन्य स्तन्य का पान करता है तो। फिर उसके बाद आता है पिच्छिल्य जन, पैच्छिल्य गुण भी किसका होता है, कफ के कारण होता है। तो अगर कफ के कारण दुग्ध अधिक पिच्छिल हो गया और पिच्छिल दुग्ध का शिशु ने पान किया तो क्या होगा, वही कफ तो यही काम करा सकता है, सलाइवेशन करा दिया, कहीं पे स्वेलिंग करा दी, कहीं सर्दी करा दी, यही सारे काम होते हैं। तो जो शोथ होगा नेत्रों के अंदर क्या हो जाएगा, शोथ हो जाएगा,
कुकुणक एक रोग मैं आपको पढ़ाऊंगी, है ना, ऐसे ही उसमें भी क्या होगा, कफ दूषित रहेगा, स्तन्य के कारण ही होगा। तो उसमें पिच्छिल जो स्तन्य होगा, कुकुणक एक आंखों का रोग है, आपके आगे पीडिया में आएगा, तो वहां पे भी क्या होगा, वो दूषित स्तन्य पान की वजह से होगा। तो वहां पे क्या हो जाएगा, शिशु चेतना रहित हो जाएगा, यानी कि शुद्ध बोध खो रखी है उसे, कोई होश नहीं है, कहाँ सो रहा है, उस रोना रो नहीं रहा है, या तो सो ही रहा है, आंखों में स्वेलिंग आ रही है, आंखें बंद नहीं हो रही हैं। ये सारे के सारे रोग होते हैं जब स्तन्य की दुष्टि हो तब। फिर उसके बाद आता है गुरु गुण। अगर क्या है, कफ का गुरु गुण बढ़ा हुआ है, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो भी दोष का जो गुण बढ़ा हुआ होगा, उसी के आधार पर उसी तरीके का स्तन्य हो जाएगा। तो यहाँ पे कफ के बहुत सारे गुण होते हैं, पिच्छल हो गया, स्निग्ध हो गया। यहाँ पे कौन सा गुण बढ़ा हुआ है, कफ का गुरु बढ़ा हुआ है, तो दुग्ध कैसा हो जाएगा, बहुत ज्यादा भारी हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। तो कफ के गुरु गुण के कारण दुग्ध भी क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। और जब गुरु स्तन्य का वो पान करेगा तो क्या हो जाएगा उसको, हृदय रोग हो जाएगा। क्या होगा, हृदय रोग हो जाएगा गुरु गुण की अधिकता के कारण। हृदय में क्या हो जाएगी, भारीपन हो जाएगा। जैसे आपने रस जो धातु है उसकी दुष्टि के कारण पड़ा होगा कैसा होता है, बस उसी तरीके के आप यहाँ पे लक्षण देखने को मिलेंगे। और सारी की सारी उसको जो कफजन्य व्याधियां हैं वो बच्चे के अंदर हो जाएंगी। तो ये हमारा जो चरक का अष्टौशीर्ष दोषा जो आपका टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। आपको इस टॉपिक से आज जो भी मैंने आपको पढ़ाया है इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हो, मैं या हमारी टीम में से कोई भी आपको जरूर रिप्लाई करेगा। और लाइव क्लास में जिन जो भी बच्चे लाइव क्लास के लिए इंटरेस्टेड हों वो अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें। विद इन 1-2 डेज हम लाइव क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। अभी डेट फिक्स नहीं है, 10 से करना है, 11 से करना है, डेट आपको बता दी जाएगी ग्रुप के अंदर, और आप एमकेएस बोस से अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। और जो भी डाउट्स हों वो आप क्लियर कर सकते हो, आप मैसेज कर सकते हो। तो आज के लिए थैंक यू।